Hello everyone, welcome to Economic Vital, and the topic for today's discussion is Habermas's theory of opportunity cost. Please like, share and subscribe. So let's start with the introduction. About the introduction, Ricardo ने जो comparative cost theory दी थी उसका एक बहुत बड़ा assumption था, that is labor theory of value के ऊपर. अब labor theory of value क्या होती है उसको मैं आपको थ्री पार्ट्स में समझाती हूँ. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी चीज लेबर इज होमोजेनियस एंड थर्ड इज लेबर इज यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज. बट हेबरलर का मानना था कि ये जो अजम्पशन है ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू ये करेक्ट नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल. बिकॉज जो लेबर है वो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकते. किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में हमें कैपिटल लगता है, मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल लगते हैं, सिर्फ लेबर से काम नहीं चलता है. दूसरी चीज लेबर इज हिट्रोजीनियस क्योंकि लेबर डिफरेंट काइंड्स एंड ग्रेड्स की होती है. जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड होती है, सेमी स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, तो लेबर के अलग अलग डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं. ऑल्सो लेबर इज यूज इन वेरियंग प्रपोर्शन. कुछ कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जो कि लेबर इंटेंसिव होती है बट सम कमोडिटीज आर नॉट लेबर इंटेंसिव. फॉर एग्जाम्पल स्टील लेबर इंटेंसिव नहीं होता है, वो उसमें कैपिटल एंड मशीनरी का ज्यादा यूज होता है. बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव ज्यादा हो जाती है इस तरह की कमोडिटीज. सो जो लेबर है वो सेम फिक्स प्रपोर्शन में यूज नहीं होता है. नेक्स्ट जो हेबलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है वो इन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करती है और डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में एक्सप्लेन करती है. ठीक है, और इसको वो सब्स्टिट्यूशन कर्व बोलते हैं. उसके अलावा सैमुएलसन ने भी आगे जाके जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने पीपीसी का यूज किया था, और लर्नर ने भी प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या प्रोडक्शन फ्रंटियर का यूज करके अपनी थ्योरी समझाई थी. एंड इन सबका बेसिस ही रिकार्डो है. ऑब्वियसली रिकार्डो के क्रिटिसिजम्स बहुत है बट स्टिल समवेयर ही हैज गिवन द ग्राउंड फॉर द अदर इकोनॉमिस्ट टू प्ले ऑन. सो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी. सो द थ्योरी स्टेट्स दैट इफ अ कंट्री कैन प्रोड्यूस आइदर कमोडिटी एक्स और वाई, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी वाई that must be given up in order to get an additional unit of commodity x. so basically मान लीजिए country A है, ये commodity x produce कर रही है. अब अगर ये commodity x produce कर रही है तो अगर इसको additional unit of x commodity बनाना है तो उसे कितने units of y को give up करना पड़ेगा, यही commodity x का opportunity cost होगा for country A. अब अगर हम थ्योरी के अजम्पशंस देख लेते हैं, सिंपल अजम्पशंस हैं, दो कंट्रीज है ए एंड बी, लेबर कैपिटल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कमोडिटी इज एक्स एंड वाई है, परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इक्वल्स इट्स मार्जिनल मनी वैल्यू, प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल्स इट्स मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ईच एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो सप्लाई फिक्स्ड है, सप्लाई कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे आप, तो उन्होंने इसको यहाँ पे फिक्स करके रखा है बिकॉज वी आर सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी. उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी है, इमोबाइल है, जो फैक्टर्स हैं वो इमोबाइल है बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन विद इन द कंट्री वो मोबाइल रहेंगे, ये रिकार्डो वाले ही अजम्पशंस हैं. और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कम्प्लीटली फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर अगर आपने पीपीसी वाला मेरा वीडियो देखा एनालिटिकल टूल्स पार्ट वन, वहां पर हमने देखा था पीपीसी थ्री कंडीशंस में हो सकती है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में. तो इन तीनों ही कंडीशंस के थ्रू हेबरलर ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया. यू कैन जस्ट रीड दिस एंड यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस. नाउ लेट्स बिगिन ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. When we are talking about trade under opportunity, constant opportunity cost, तो constant opportunity cost में हमें पता है जो PPC होती है वो straight line होती है. ठीक है, अब जो PA है वो country A की PPC है, और जो PB है
वो कंट्री बी की पीपीसी। अब बिफोर ट्रेड ये सिचुएशन है, आप देख लीजिए। जो अब ये दोनों जो आपने देख लिया, तो अब ऑब्जर्व करिए जो ओपी है, ठीक है, ओपी अमाउंट ऑफ कमोडिटी बाय दोनों ही कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, एंड कंट्री ए इज प्रोड्यूसिंग ओ ए अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड कंट्री बी इज प्रोड्यूसिंग ओ बी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स। तो अब क्लियरली ये विजिबल है, जो कंट्री ए है वो ओ ए अमाउंट ज्यादा अमाउंट बना रही है कमोडिटी एक्स का। इट मीन्स कि उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड कंट्री बी हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। सो वी कैन राइट हियर दिस, कंट्री ए हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, वेयर एज कंट्री बी हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। ओके, नाउ लेट्स लुक बिफोर द ट्रेड क्या हो रहा है। बिफोर ट्रेड जो कंट्री बी है, ठीक है, जो कंट्री बी है, इट इज प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग एट पॉइंट ई, ठीक है। तो एट पॉइंट ई कितना वो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रही है, ओ वाई वन ऑफ कमोडिटी वाई एंड ओ एक्स वन ऑफ कमोडिटी एक्स, दिस इज व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग। अब मान लीजिए आफ्टर ट्रेड वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। अब कंट्री बी डिसाइड करती है कि लेट्स एंटर इनटू ट्रेड। अब सपोज यहाँ पर भी हम दो सिचुएशंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल प्राइस लाइन। तो अब मान लीजिए कंट्री बी जो है वो स्मॉलर कंट्री है देन ए, ठीक है, और अब वो ट्रेड में उसके साथ एंटर हो रही है। अब कंट्री ए जो है वो लार्जर कंट्री है विद इंटरनल प्राइस रेशियो लाइन पी ए। तो कंट्री ए का जो इंटरनल प्राइस लाइन है वो है पी ए। तो अब कंट्री बी तो स्मॉल कंट्री है, तो कंट्री बी भी क्या करती है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन बना लेती है पी ए को ही, ठीक है। तो जो कंट्री ए की इंटरनल प्राइस लाइन है वही कंट्री बी की इंटरनेशनल प्राइस लाइन बन जाती है। सिचुएशन वन ये है। अब अगर ऐसा होता है तो पहले जो कंट्री बी है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही थी पॉइंट ई पे, पर अब वो अपना जो प्रोडक्शन पॉइंट है उसको पी पर शिफ्ट कर देती है, कंप्लीटली स्पेशलाइज कर लेती है, क्योंकि उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी बाय। तो उसको कंप्लीटली स्पेशलाइज करती है और पॉइंट पी पर शिफ्ट हो जाती है। अब जो कंट्री पी है, सो ओके नाउ दिस इज द ग्राफ। तो पहले वो ई पर प्रोड्यूस कर रही थी, अब वो पी पर प्रोड्यूस कर रही है। तो आफ्टर ट्रेड इट इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट पी, एंड उसका जो कंजम्पशन पॉइंट है, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाता है एट पॉइंट डी, ठीक है, जो कि है प्राइस लाइन, इंटरनेशनल प्राइस लाइन पी ए पर। दिस इज प्राइस लाइन, ओके। तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन पी ए पर है पॉइंट डी, वहां पे वो कंज्यूम कर रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोड्यूस यहाँ हो रही है कमोडिटी वाई, कंजम्पशन यहाँ हो रहा है। तो ये जो बच रहा है हमारे पास टी डी अमाउंट, ये वो एक्सपोर्ट कर देगी टू कंट्री ए, और ये जो उसके पास कम पड़ रहा है कमोडिटी एक्स टी पी, ये वो इम्पोर्ट कर लेगी ए से, ठीक है। तो कमोडिटी एक्स जो है टीपी, वो इतना अमाउंट उसने इंपोर्ट कर लिया और इतना अमाउंट उसने एक्सपोर्ट कर दिया ए, ठीक। ये हो गई हमारी सिचुएशन वन। अब सिचुएशन टू में मान लीजिए, सपोज कर लीजिए सिचुएशन वन जो थी वहां पर जो कंट्री ए है उसका ज्यादा कुछ गेन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो रिलेटिव प्राइजेस है एक्स एंड वाई के वो चेंज नहीं हो रहे। अब सिचुएशन बी में आ जाते हैं, सिचुएशन टू में आ जाते हैं। यहाँ पर प्री ट्रेड एंड पोस्ट ट्रेड सिचुएशन देखते हैं कंट्री बी की। तो प्री ट्रेड तो हमने देख लिया, वो ये पे प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रही थी, ये हो गया।
अब मान लीजिए वो पी आर बनाती है न्यू प्राइस लाइन, ये तो हमने देख लिया। अब मान लीजिए ये वाले पॉइंट से वो न्यू प्राइस लाइन बना रही है, जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन पी आर इज दी न्यू इंटरनेशनल प्राइस लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आफ्टर ट्रेड बुक यार वाई में स्पेशलाइज हो गई थी कंट्री भी, तो उसका प्रोडक्शन तो पी पर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो पॉइंट सी पर आ जाएगा, ओके। और जब कंजम्पशन पॉइंट सी पर आ गया है तो फिर आप देख लीजिए बी को ज्यादा कुछ गेन नहीं होगा, उसको पहले ज्यादा गेन हो रहा था, पर यहाँ पे उसे इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, पर उसकी इम्पोर्ट तो टीपी ही रहेगी, उसकी एक्सपोर्ट हो गई टीसी और इम्पोर्ट हो गई टीपी, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन इन कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। नाउ लेट्स मूव टू दी ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पीपीसी होती है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, वो कॉनकेव होती है टू दी ओरिजिन, ठीक है, बिकॉज व्हेन अ कंट्री स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन विच इट पोजेसेस कंपैरेटिव एडवांटेज, इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। ये होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट है वो वैलिड होती है ओनली अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसको भी हम बाद में और डीपली समझेंगे जब हम इसको एनालाइज कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन, यू कैन सी हियर टू डायग्राम्स। अब जो ये है डायग्राम वन ए है, ये कंट्री ए के लिए है और ये वाला कंट्री बी के लिए। नाउ लेट्स लुक एट दिस। नाउ सपोज ए इज द पीपीसी फॉर कंट्री ए एंड बी बी इज द पीपीसी फॉर कंट्री बी। नाउ अब पहले कंट्री ए के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उस पर कंट्री बी पे जाएंगे। तो अब कंट्री ए में देख लीजिए पीपीसी जो है वो ए ए है, उसके बाद जो ए है वो स्पेशलाइज कर रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, ये क्लियरली पीपीसी के बैंड से देख सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है स्पेशलाइजेस इन कमोडिटी एक्स, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू ए वन, आप ये देख सकते हैं कि जो कंट्री ए है उसको ज्यादा वाई गिव अप करना पड़ेगा टू गेन कमोडिटी एक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग वी कैन सी इज बीबी। अब सेम यहाँ पे बीबी जो है वो कंट्री बी की पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो जैसे जैसे हम बी वन से मूव करेंगे बी की तरफ, इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्स गिव अप करना पड़ेगा टू गेन वाई, और ये जो कंट्री बी है उसने स्पेशलाइज किया है इन दी कमोडिटी वाई। सो दिस इज दी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स बिगिन अवर एनालिसिस। अब इसमें क्या होगा, जो स्लोप है पीवीसी की वो वाई में स्पेशलाइज करेगी, ये तो हो गया। अब बिफोर ट्रेड सिचुएशन देखेंगे कंट्री ए की। बिफोर ट्रेड में कंट्री ए जो है वो प्रोड्यूस एंड कंज्यूम कर रही है सम क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई एट पॉइंट के, ठीक है। ए इज द प्राइस लाइन, पहले हम कंट्री ए की बात कर रहे हैं बिफोर ट्रेड में। ए इज द प्राइस लाइन, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो हो रहा है एट पॉइंट के, ठीक है। अब मान लीजिए कंट्री बी का सिमिलरली रहेगा, कंट्री बी का भी ऐसे ही रहेगा, उसकी जो प्राइस लाइन है वो बीबी है और उसका प्रोडक्शन पॉइंट के वन है, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेड स्टार्ट हो जाता है दोनों कंट्रीज में, दोनों ही कंट्रीज अब ट्रेड में एंटर करती हैं, तो अब क्या सिचुएशन होगी ये देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन दोनों कंट्रीज में क्या हो जाएगी, पी एल हो जाएगी कंट्री ए की और पी वन एल वन हो जाएगी कंट्री बी की,
और दोनों ही जब आप डायग्राम्स बनाएंगे तो जो दोनों प्राइस लाइन्स है उनको पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन्स को पैरेलली ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट आफ्टर ट्रेड सिचुएशन इन कंट्री ए फर्स्ट। अब कंट्री ए में देखेंगे कि जो कमोडिटी एक्स है वो उसमें स्पेशलाइज कर चुकी है। तो मान लीजिए कि मार्केट में कमोडिटी एक्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, तो अब जो कंट्री ए है वो प्रोड्यूस करेगी पॉइंट ई पर, ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन आ जाएगा वो पॉइंट ई पर आ जाएगा, और यहाँ पर वो ओ आर कमोडिटी ऑफ एक्स बना रही है और ओ क्यू कमोडिटी ऑफ वाई बना रही है। ओ आर एक्स बना रही है और ओ क्यू कमोडिटी ऑफ वाई बना रही है, तो प्रोड्यूसेस एट पॉइंट ई, ठीक है, ओ आर ऑफ एक्स एंड ओ क्यू ऑफ वाई इज प्रोड्यूस्ड, ठीक। नेक्स्ट जो उसका कंजम्पशन है, कंजम्पशन एट पॉइंट सी पर आ जाएगा, पॉइंट सी पर उसका कंजम्पशन आ जाता है ये यहाँ पे प्राइस लाइन पे, ठीक है। अब कंजम्पशन कितना अमाउंट जा रहा है, उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन ये हो रहा है एस ओ, ठीक है, कंजम्पशन एस ओ ऑफ वाई एंड ओ टी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे सरप्लस देख लीजिए, सरप्लस ऑब्वियसली इतना बचेगा डीई जो है ये आपके पास सरप्लस बच रहा है, तो इसे वो एक्सपोर्ट कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एस क्यू जो है वो कम पड़ रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है, तो एस क्यू वो इंपोर्ट कर ले। सिंपल, दैट्स इट, सिंपली हमने ग्राफ से इसको समझ लिया है। अब सेम सेम हम कंट्री बी के लिए देख सकते हैं। कंट्री बी में देखिए, अब कंट्री बी ने जो है वो स्पेशलाइज किया था इन द प्रोडक्शन ऑफ, इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई, ठीक है। तो अब पहले जो है इसका जो प्रोडक्शन पॉइंट है, प्रोडक्शन हो जाएगा ई वन पर, कंजम्पशन हो जाएगा पॉइंट सी वन पर। जैसे हमने कंट्री ए का देखा है सेम कंट्री बी का आ जाएगा, तो जो कंजम्पशन है सी वन हो गया है, इसके बाद ट्रेड ट्रायंगल जो फॉर्म होगा हमारा वो रहेगा ई वन डी वन एंड सी वन, ई वन डी वन एंड सी वन, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था वो ये था, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि ये पोर्शन जो है डीई वो एक्सपोर्ट कर देगी, ठीक है, और सी डी जो है वो इंपोर्ट कर लेगी। सिमिलरली जो ई डी वन है ये एक्सपोर्ट कर देगी क्योंकि इसने स्पेशलाइज किया है इन द कमोडिटी वाई, और ये वाला पोर्शन इंपोर्ट कर लेगी, ठीक है। तो ई वन डी वन एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट लाइन हो जाएगी आपकी, एंड डी वन सी वन विल बी योर इम्पोर्ट लाइन। सो दिस इज वॉट विल बी डन इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लेते हैं जल्दी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। जब दो कंट्रीज में डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है तो उनकी जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन हो जाती है, यानी कि ये हो गया उनकी पीपीसी इस तरह की, ठीक है। इसके बाद जो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो उसमें जो कंट्री है वो कंप्लीटली स्पेशलाइज कर लेती है सिर्फ एक कमोडिटी में। अब इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा रहेगा। सो सिंपली आप देख सकते हैं ए ए वन जो है वो पीपीसी है कंट्री ए की, बी बी वन पीपीसी है कंट्री बी की। तो ये जो है आपकी ए ए वन ये कंट्री ए की पीपीसी है एंड बी बी वन जो है वो कंट्री बी की पीपीसी, ठीक है। अब
जो प्री ट्रेड कंजम्पशन है कंट्री ए का वो है पॉइंट के पर, और कंट्री बी का है पॉइंट K1 पर। ठीक है, अब स्लोप अगर हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि कंट्री ए जो है उसका कंपेरेटिव एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, और कंट्री बी का कंपेरेटिव एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, ये हमें स्लोप से पता चलता है। अब मान लीजिए ये दोनों ही ट्रेड में एंटर करती हैं विद इंटरनेशनल प्राइस लाइन बी ए, तो अब इनकी इंटरनेशनल प्राइस लाइन ये हो गई बी ए। अब इनका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो सी आ जाएगा। अब हमने पहले देखा है सिचुएशन में कि जब हम डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखते हैं तो कंट्री कंप्लीटली स्पेशलाइज कर लेती हैं उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो कि उनकी कंपेरेटिव एडवांटेज वाली होती है। तो कंट्री ए जो है वो कंप्लीटली स्पेशलाइज करेगी कमोडिटी एक्स में। ठीक है, तो अब जो उसका प्रोडक्शन पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा A1 पर। ठीक है, तो अब पहले कंट्री ए का देखें तो उसका प्रोडक्शन हो जाता है ये आफ्टर ट्रेड वाली सिचुएशन में, उसका प्रोडक्शन हो जाएगा एट A1। ठीक है, और कंट्री बी का जो है प्रोडक्शन वो हो जाएगा, कंट्री बी का प्रोडक्शन हो जाएगा एट बी। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम K2 A1 हो जाएगा और इसका फ्रॉम K1 to B हो जाएगा। अब जब ये हम देख चुके हैं ये हो गया है कंजम्पशन जो है कंजम्पशन एट इंटरनेशनल प्राइस लाइन एट पॉइंट सी, तो ये कंजम्पशन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें कंजम्पशन पॉइंट पता है, प्रोडक्शन पॉइंट पता है सिंपली। तो अब दोनों क्या करेंगी, जो कंट्री बी है, पहले कंट्री ए का देख लेते हैं। जो कंट्री ए है, कंट्री ए मूव्स अपवर्ड टू पॉइंट सी। ठीक है, और यहां पर कंट्री ए विल एक्सपोर्ट, कंट्री ए विल एक्सपोर्ट D1 A1 ऑफ एक्स एंड इम्पोर्ट D1 C ऑफ वाई, एंड इसका जो ट्रेड ट्राइंगल है, ट्रेड ट्राइंगल इज CD1 A1। तो देखिए CD1 A1 जो है ट्रेड ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो एक्सपोर्ट है D1 A1, ये ट्रेड ट्राइंगल है, CD1 A1 है ना, तो D1 A1 जो है ये एक्सपोर्ट कर देगा वो, और C1 D1 जो है ये इंपोर्ट कर लेगा। सिंपली दिस विल बी डन। एंड जो कंट्री बी है अब उसकी सिचुएशन देख लेते हैं। कंट्री बी मूव्स डाउनवर्ड टू पॉइंट सी। ठीक है, अब ये क्या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेगी, सो कंट्री बी विल एक्सपोर्ट D B ऑफ कमोडिटी वाई एंड DC ऑफ कमोडिटी एक्स वो इंपोर्ट कर लेगी। इनका जो ट्रेड ट्राइंगल बनेगा वो होगा BDC, BDC ये इनका ट्रेड ट्राइंगल है, जिसमें से ये वाला जो है DB अमाउंट ऑफ एक्स वो एक्सपोर्ट कर देंगे और DC अमाउंट ऑफ वाई वो इंपोर्ट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो अंडर द डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ जो ट्रेड है अंदर डिक्रीज एंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक और सिचुएशन इन्होंने दी है बेसिकली। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों ही कमोडिटीज या तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होंगी या तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होंगी, ऐसा भी पॉसिबल है एक कमोडिटी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हो दूसरी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हो। तो अब मान लेते हैं
जो कमोडिटी एक्स है वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रही है, और जो कमोडिटी वाई है, जो कमोडिटी वाई है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए जो कमोडिटी एक्स है वो कोई आर्टिकल है जैसे कि क्लॉथ, जो कि डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है, और जो कमोडिटी वाई है वो कोई क्रॉप है जैसे कि राइस, जो कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर एक ग्राफ आ जाता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का है, ड्रॉ इट एंड शो यू। पहले ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है, फिर कॉनवेक्स हो गया, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये वाला कॉनकेव है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द डायग्राम। अब इसकी जो प्राइस लाइन है वो उन्होंने दी है ए ए, और इसकी प्राइस लाइन है बी बी। ठीक है, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ। ए एफ रीजन जो है उस पे जो टेंजेंट लाइन है ए ए, ठीक है, और यहाँ पर जहां वो टेंजेंट है पॉइंट ई पर, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ओ एक्स ऑफ कमोडिटी एक्स का एंड ओ वाई ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, ये कंट्री ए के लिए, कंट्री ए की कमोडिटी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, या तो ये कंट्री ए के लिए ग्राफ है। दिस इज फॉर कंट्री ए एंड दिस इज फॉर कंट्री बी। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर ओ वाई ऑफ कमोडिटी वाई प्रोड्यूस हो रहा है एंड ओ एक्स ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लीजिए इसका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो पॉइंट सी पर है, जहां पर पॉइंट सी पर है, जहां पर इसकी जो इम्पोर्ट है वो डीसी ऑफ एक्स है, डीसी ऑफ एक्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज एक्सपोर्टिंग डी ई ऑफ वाई, डी ई ऑफ वाई जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। दिस इज एक्सपोर्ट्स एंड दिस इज इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्री ए। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए, अब मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन हो रहा है एक्स का वो अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, तो जो एफ बी रीजन है वो बता रहा है आपको, एफ बी रीजन जो है वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको बता रहा है। अब यहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ पर मोर ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है। कंट्री बी जो है वो पॉइंट बी पर इसलिए रीच हो जाती है, पॉइंट बी पर आ जाता है कंट्री बी का प्रोडक्शन, और वो स्पेशलाइज कर लेती है कंप्लीटली इन एक्स, क्योंकि हम देख चुके हैं जब डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा तो कंट्री जो है वो किसी एक कमोडिटी जिसमें उसको कंपेरेटिव एडवांटेज मिल रहा है उसमें कंप्लीटली स्पेशलाइज कर लेगी। तो अब जो लाइन है बी पी, ठीक है, ये पैरेलल होगी, दिस विल बी पैरेलल टू ए ए, इसलिए ये इस तरह से बनी हुई है, ये पैरेलल में ड्रॉ होगी। और जो कंट्री बी है, अब उसके एक्सपोर्ट्स देखेंगे, कंट्री बी का जो एक्सपोर्ट रहेगा वो एन बी अमाउंट ऑफ एक्स होगा, एन बी अमाउंट ऑफ एक्स एक्सपोर्ट हो जाएगा, एंड आर एन या आर एन अमाउंट ऑफ वाई जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वाई विल बी इम्पोर्टेड। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क अंडर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसके देखिए कि ये रिकार्डो की थ्योरी से क्यों सुपीरियर है, तो चार चीजें हैं, ज्यादा रियलिस्टिक है, प्री एंड पोस्ट ट्रेड सिचुएशंस जो हैं वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तीनों तरह से एनालाइज की गई हैं, और ये जो इम्पोर्टेंस बताती है फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रेड थ्योरी ऑल्सो, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है, उन्होंने एक्सपैंड करके सिंपली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है तीनों सिचुएशंस में। बट एवरी थ्योरी हैज क्रिटिसिजम्स, तो उसके क्या क्रिटिसिजम्स हैं, पहला तो ये हो गया
कि इसने जो रियल कॉस्ट होता है, जैसे कि जो हम सैक्रिफाइसेस करते हैं या कुछ चीजें होती है जिससे हमें डिस यूटिलिटी मिलती है, इस तरह के कंसेप्ट को नहीं बताया है, ठीक है। उसके अलावा इसने फैक्टर सप्लाईज को भी नेग्लेक्ट कर दिया है, सप्लाई फिक्स कर दिया है, बट हम देखते हैं सप्लाई तो चेंज होती रहती है ना अकॉर्डिंग टू डिमांड। उसके अलावा जो प्रेफरेंस है, ठीक है, लोग कहीं पर प्रेफर करते हैं लीजर अगेंस्ट इनकम, वो चीज इन्होंने नहीं बताई है। फिर जो उनके कुछ अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, जैसे कि लेबर जो है दोनों नेशंस के बीच में इमोबाइल है और नेशन में मोबाइल है, फिर फ्री ट्रेड हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं है, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है, तो ये सब थोड़े अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हो जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।